के ऑफिस में बीते 19 घंटे से इनकम टैक्स की रेड जारी है। कांग्रेस ने बताया अघोषित आपातकाल, बीजेपी का पलटवार, कहा देश विरोधियों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी से बातचीत की है, वैश्विक रणनीति पर साझेदारी पर हुई चर्चा, पीएम ने बोइंग समेत दूसरी अमेरिकी कंपनियों को निवेश का न्योता दिया है। एयर इंडिया एयरबस के बीच हुई सबसे बड़ी एविएशन डील, 250 विमान खरीदेगा टाटा ग्रुप, पीएम मोदी और मैक्रो की मौजूदगी में हुआ समझौता। न्यूज नेशन पर धीरेंद्र शास्त्री का एक्सक्लूसिव बयान, कहा हिंदू राष्ट्र के लिए मिल रहा है लोगों का समर्थन, भारत में रहने वाला प्रतीक नागरिक सनातन। पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को देना होगा स्पीकर को जवाब, लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने भाषण की शिकायत की। फारूक अब्दुल्ला की विवादित बोल, कहा जम्मू कश्मीर को हिंदू बहुल प्रदेश बनाना चाहती है सरकार लेकिन नहीं होने देंगी कामयाब। यूपी एटीएस ने आजमगढ़ से संदिग्ध आतंकी अबू उसामा को किया गिरफ्तार, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, आतंकी सबा उद्दीन की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। कानपुर में जिंदा जली मां बेटी की आज होगा अंतिम संस्कार, भारी पुलिस बल तैनात, अतिक्रमण हटाने के दौरान आग से हुई थी मौत। कोयम्बटूर कार सिलेंडर विस्फोट मामले में आईए के छापा, केरल तमिलनाडु में 60 से ज्यादा जगहों पर रेड जारी, आईएस समर्थकों के संबंध में छापेमारी। आज मोतिहारी में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, विकास कार्यों के लेंगे जायजा, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक।